हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk. आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और IMF की डील बेल आउट प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे थे पाकिस्तान को, किस तरह से वो फेल हो चुका है येट अगेन. सो जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत के अंडर PDM की गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में, तब से ये बात चल रही है कि क्या IMF पाकिस्तान को फंड्स देगी या नहीं. ये $6 बिलियन का बेल आउट प्रोग्राम है जिसमें से हाफ पाकिस्तान रिसीव कर चुका है ऑलरेडी. अब बाकी का जो $3 बिलियन का बेल आउट चाहिए पाकिस्तान को टू सर्वाइव फर्दर, वो लेने के लिए इस गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा टफ डिसीजंस भी लेने पड़े, जिसके अंदर हमने देखा कि पिछले 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही पेट्रोल की प्राइसेस में 88 रुपीज़ का इजाफा किया गया. सो रिसेंटली लास्ट वीक ही पाकिस्तान नेशनल असेंबली में नया साल का बजट भी प्रेजेंट किया गया. 2022 से 2023 का बजट प्रेजेंट किया गया जो कि 9.5 ट्रिलियन रुपयों का है. तो अगले साल का जो एस्टिमेट लगाया गया खर्चों का बाय द गवर्नमेंट, उसका अंदाज़ा है 9.5 ट्रिलियन रुपये. अब इस बजट के ऊपर IMF के स्टिल रिजर्वेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस पाकिस्तान ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका है, बट देर आर स्टिल रिजर्वेशंस. रिजर्वेशंस सबसे पहले तो ये IMF ने कहा था कि जितनी भी आपने सब्सिडीज़ दी हुई हैं वो ख़त्म की जाएँ. वो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं. पाकिस्तान इस वक्त अपनी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख रहा है. नाउ देर इज़ अनदर रिजर्वेशन, दैट इज़ कि जो प्रोविंसेस हैं, जो आपका GDP है उसकी ग्रोथ के साथ बैलेंस होना चाहिए आपका बजट. नाउ सम मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, उनका जो बजट है वो डेफिसिट में जा रहा है. सिर्फ एक पंजाब का प्रोविंस है जो कि सरप्लस में अपना नेक्स्ट ईयर का बजट दे रहा है, बट द रेस्ट ऑफ देम आर गोइंग इन डेफिसिट. सो दैट इज़ अ मेजर कंसर्न. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट मोर टफ डिसीजंस आर गोइंग टू बी टेकन. इसके साथ ही साथ CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर के IPP उसका जो है, IMF ने वो भी कहा है कि उसको भी मोनेटाइज किया जाए. सो व्हाट वी हैव हियर इज दैट 28 जून को पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने ये बजट पास करवाना ही करवाना है, क्योंकि 1 जुलाई से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होनी है और इससे पहले पहले IMF के साथ ये डील होना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट विल हैपन नाउ इज दिस कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और दूसरे ऑफिशियल्स हैं, वो आर इन टॉक्स विद IMF ऑफिशियल्स, आर नाउ कॉन्टैक्टिंग द US. उन्होंने US ऑफिशियल से बात की और उनको कहा गया है कि काइंडली मीडिएट द टॉक्स विद IMF. नाउ दे आर सीकिंग द हेल्प US से कि वो आए, उनके ऑफिशियल्स पर्सनल इनकम टैक्स और रेट्स वाला जो उनका IMF का एक रिजर्वेशन थी, दैट हैज़ ऑल्सो बिन रिजॉल्व. देखा गया कि बजट के अंदर पहले काफ़ी ज़्यादा इनकम टैक्स 1 लाख रुपये तक के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन IMF की तरफ से जब रिजर्वेशन आई तो वो भी ख़त्म कर दिया गया और उसके ऊपर वापस टैक्सेशन लगा दी गई. सो काफ़ी अभी भी जो रिजर्वेशन हैं, हो सकता है कि वो रिजर्वेशन के ऊपर मज़ीद गवर्नमेंट स्टेप्स ले, मज़ीद महंगाई हो, मज़ीद टैक्सेशन हो, मज़ीद प्राइसेस में इंक्रीज हो. और US की मीडिएशन के बाद इसी जून के महीने में ही हमें IMF की डील चाहिए ही चाहिए. सो लेट्स सी कि वो हमें मिलेगी कि नहीं.